बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अहमद और मैं हाजिर हूं अल्फ़ाबेट लोगो सीरीज़ के साथ। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा अल्फ़ाबेट लोगो के बारे में कि हम ये एक डिज़ाइन मैंने के आपके लिए पहले से ही क्रिएट करके रखा है ताकि आपको पता होगा ये मैं आपको किस तरह बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको उसका पता चल सके, और दोस्तों हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैं कोरल का वर्जन 8 यूज कर रहा हूँ। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने किस तरह क्रिएट किया है। अच्छा, तो यही है कि मैं इसको यहाँ पे लाके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको लॉक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके लॉक ऑब्जेक्ट को कर देता हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर ही आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह बनाया है। अब मैं यहाँ से पेन टूल लूंगा, पेन टूल लो के मैं यहाँ पे इसके स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक क्लिक किया है, यहाँ से ऑल्ट का बटन दबा के प्रेस किया है तो यहाँ से नोट को ख़त्म कर दिया है। फिर यहाँ से इस नोट तक लेके आया हूँ, यहाँ से मैं इस नोट तक लेके आया हूँ, यहाँ से लाके मैंने यहाँ से कर्व किया है, यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करके इसको ड्री कर दिया है, यहाँ से फिर क्लिक करके इसकी एक नोट यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ से यहाँ लेके क्लिक करना है, यहाँ से दबा के यहाँ पे क्लिक करना है, ऑल्ट के बटन के साथ इसकी नोट को खत्म करना है, यहाँ से लेके इसको ड्रा करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पे इसकी कर्व बनाते जाना है। ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसके बाद फिर पेन टूल लिया, बड़ा किया, सीधी लाइन लगाता हूँ, जो कि यहाँ से इसको कर्व कर देता हूँ, यहाँ से मिला देता हूँ, उसके बाद एक नोड यहाँ पे बना लेता हूँ, इसके नीचे आनी है, इसलिए इसको कोई इतना वो जरूरी नहीं है कि पूरा कर सके। अब उसके बाद F3 करके इसको मैंने छोटा किया, इसको सेट करके सारे को आउटलाइन को बाइट है गया। अब इस वाले को कवर के शिफ्ट पेज डाउन कर दिया ताकि वो नीचे चली जाए। अब ये मैं ऊपर वाले को सेट करता हूँ और इसके कॉपी फ्रॉम प्रॉपर्टीज देके यहाँ से फिल को क्लिक करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टीज ले लेता हूँ, इधर से आउटलाइन इसकी खत्म कर देता हूँ, सीधा दोबारा इसको सिलेक्ट किया, एड में गया, कॉपी फ्रॉम प्रॉपर्टी की ओके किया और यहाँ से इसको मैंने फिल कर दिया। उसके बाद इसकी ले लेते हैं प्रॉपर्टीज, यहाँ से कॉपी किया, ओके किया और ये और हमने कर दिया। अब इसकी ट्यूनिंग कर लेते हैं, जहाँ आपको लगे जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा मुझे मसला लग रहा है, तो इसके हम यहाँ से इसको खत्म करके दे देते हैं ताकि ये एक यहाँ पे डबल क्लिक किया, इधर डबल क्लिक किया और डिलीट कर दिया। इसको जो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अंदर, जब मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ अभी इसको भी डिलीट करता हूँ, ये थोड़ी सी राउंड शेप में आ जाए।
प्रिपेयर कर लेता हूँ। इसको पेज बना के तो पर क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड को सेट करें। इसके प्रेस जी को किया, यहाँ से किया तो इसको अब शैडो देना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करके इसको ड्रॉप शैडो पर क्लिक करके फिर नीचे ड्रॉप शैडो भी दे सकते हैं। तो कितना इजी थी और कितना जल्दी हमारा ये काम हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिए। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Young ones, young ones.